चाहते ने उदे विच सबनों पता ही है भी जो मैरिज सर्टिफिकेट आपां नूं लगाना पैंदा है फंड्स दिखाने पैंदे ने ते लाइक कई कंसलटेंट्स स्पाउस दी एजुकेशन लगाते हैगे ने फिर इनकम के डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं बट एक जिहड़ा मेन पॉइंट रह जाता है जिहड़े ज़्यादातर कंसलटेंट नहीं दिखाते जो कि एक रिक्वायरमेंट हाई है तो ये चीज़ होनी जरूरी है तो उसी कारण तुम देखते हो कई केसिस दे विच क्या होंदा भी मेन एप्लीकेंट का वीज़ा आ जाता है तो स्पाउस का वीज़ा नहीं आता तो या फिर मेन एप्लीकेंट का ही अप्लाई किया जाता है तो स्पाउस का नहीं अप्लाई किया जाता वह कारण यही है भी एक प्रेजेंटेशन ऑफ फाइल होंगी है भी फाइल में प्रेजेंट किसी तरीके करना है जिदे भी जो स्पाउस वीज़ा कट्ठिया का वीज़ा अप्लाई किया जाए तो सही तरीके दिता जाए वो मेन पोर्शन आ जाता जी चलो बाकी चीज़ा जो सानू स्पाउस की इनकम दिखानी जरूरी है अकैडमिक्स दिखाने जरूरी है अकैडमिक ग्रैजुएशन नहीं हैगी भी तुसी डिप्लोमा भी दिखा सकते हो फिर तुसी फंड्स दिखाने जरूरी ने तुहानू इनकम जिहड़ी फैमिली दी है वो दिखानी जरूरी है इस तो अलावा एक चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना तुहाडे लई जरूरी है कि स्पाउस की GT स्टेटमेंट भी लगनी जरूरी है जी हाँ GT स्टेटमेंट होंगी है SOP स्टेटमेंट ऑफ परपज जिहड़ा मेन एप्लीकेंट की लगती है तो ज़्यादातर कंसल्टेंट के करेंगे भी उसी नू स्पाउस की GT दे विच अटैच कर दिता जाता है हुण उहदे च क्वेश्चन पूछा जाता है भी स्पाउस तुसी मैरिड हो हाँ जी हैगे हो मैरिड है जी स्पाउस अकंपनी कर रहे हैं ना हाँ जी कर रहे हैं फिर वो आती है GT स्टेटमेंट तो GT स्टेटमेंट का मतलब भी क्यों जाना चाहते हैं भी उत्थे जाके भी वाइफ नूं कंपनी क्यों करना एक सिंपल जा रीज़न भी देना जरूरी है भी एक क्वेश्चन हैगा भी तुसी ठीक है जी तुहाडी वाइफ पढ़न जा रहे हैं वो कहड़ा कोई परमानेंटली जा रहे हैं भी 2 सालों वास्ते पढ़न जा रहे हैं 3 सालों वास्ते पढ़न जा रहे हैं भी तुसी नाल क्यों जा रहे हो उहदा की कारण की है तो वो बेनीफिट की ने वो देखना जरूरी है भी पहला स्पाउस अपनी एजुकेशन अपनी इनकम ते अपनी फैमिली बारे अपनी सिबलिंग्स बारे अपने पेरेंट्स बारे सारे वास्ते लिखता है फिर अपनी वाइफ वास्ते कुछ लिखता है भी मेरा मैरिज कदों हुई क्या है ते मेरी वाइफ क्यों बाहर जाना चाहती है भी साड़ी फैमिली च की डिस्कशन हुई हैं इस बारे उस तो बाद आ जाती है भी फैम वाइफ नूं ते उहनां नूं कौन सपोर्ट कर रहा है भी फाइनैंशियली कौन सपोर्ट कर रहा है फिर अगला आ जाता है भी जिहड़ा मेन एप्लीकेंट दे नाल स्पाउस जिहड़ा जा रहा है स्पाउस ते भी वो क्यों जाना चाहता है वो रीज़न की है ते उहदा तुसीं कदे क्यों नहीं जाना देना चाहते नाल क्यों जाना चाहते हो फिर ये दसना जरूरी भी उत्थे तुसीं 2 साल दा तुसीं नाल रहोगे 3 साल नाल रहोगे भी तुसीं की करोगे उत्थे ते उस तो बाद भी उत्थे तुहाडे नाल जान दे तुहाडी वाइफ दे नाल की बेनीफिट्स ने तुहानूं ते उहनां नूं की बेनीफिट्स ने उस तो बाद आ जांदा है भी तुसीं वापस क्यों आओगे भी की कारण है तुहाडा वापस आउण दा भी तुसीं उत्थे क्यों नहीं रहोगे ते इत्थे वापस क्यों आओगे ते ये सारियां चीज़ां लिखनियां जरूरी हैं इहदे नाल वीज़ा कंडीशन लिखनियां जरूरी हैं भी वीज़ा कंडीशन जिहड़ियां हैगियां भी स्पाउस दे उत्ते अगर वीज़ा लग जांदा स्पाउस दा अलग तो वीज़ा लगदा उहदे विच वीज़ा कंडीशनस की होणगियां ते सारियां चीज़ां नाल मैनशन करनियां जरूरी है ते इहदे नाल SOP जिहड़ी हैगी है 2 या 3 पेजां दी SOP बनती है ज़्यादा वड्डी SOP नहीं होंदी बट डिटेल्ड इनफॉर्मेशन लिखनी बहुत जरूरी है हुण काफ़ी केसेस सानूं काफ़ी कॉज आउंदी है आस्ट्रेलिया भी आउंदी है इंडिया भी आउंदी है जिहड़ा मेन एप्लीकेंट दा वीज़ा जिहदे विच ग्रांट हो गया तो स्पाउस दा वीज़ा जिहड़ा हैगा ग्रांट नहीं होया ते ऐसे केस दे विच ये ध्यान रखना जरूरी है भी कमी की रही है इस केस च ज़्यादातर तुसीं देखोगे स्पाउस की अलग तो कोई GT स्टेटमेंट नहीं लगी होएगी स्पाउस की इनकम के डॉक्यूमेंट्स नहीं लगे होंगे स्पाउस की कम करते नहीं लगे होंगे हाँ मैरिज सर्टिफिकेट फंड्स वगैरह ये सारे हो सकता है अटैच किए हो कंसलटेंट ने बट जिथे स्पाउस का वीज़ा नहीं आता तो मेन एप्लीकेंट का वीज़ा आता वो यही कमी है जी मैं सूँ जी 4 चीज़ा मैं सूँ दसियाँ ये ही कमी रही है कितना ना कि बाकी अगर तुम स्पाउस वीज़ा इकट्ठा का अप्लाई करना चाहते हो तो इकट्ठे ही ग्रांट करा के इकट्ठे ट्रैवल करना चाहते हो जरूर साड़ी कंपनी में कॉन्टैक्ट करो साडे ऑफिसेज हरियाणा पंजाब ते चंडीगढ़ च ने बाकी आस्ट्रेलिया साडा ऑफिस जिहड़ा है सिडनी च है मैं आस्ट्रेलिया च सिडनी च हुंदा ज़्यादातर ते बाकी ट्रैवलिंग मेरी इंडिया होंगी रहती है रेगुलर बेसिस पर तो तुसी अगर कोई भी तुहाडा सवाल हैगा इस वीडियो में लैके या स्पाउस वीज़ा में लैके तुसी कमेंट सैक्शन च जरूर अपना शेयर करो क्वेश्चन या साडे जो नंबर दिते हुए ने कॉन्टैक्ट नंबरस या ईमेल IDs जिहड़े दिते हुए ने उहदे ते तुसी कॉन्टैक्ट करो ते ज़्यादा जानकारी वास्ते ते अपडेट्स रखने वास्ते अपने को तुसी यूट्यूब इस चैनल जरूर सबसक्राइब करो ते लाइक करो वीडियो में ते कमेंट जरूर करियो अगर तुहाडा कोई क्वेश्चन होएगा जी।